तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। काफ़ी छात्रों को जो है परेशानी हो रही है क्योंकि जो डेट शीट पहले चेंज कर दी गई थी वो पता नहीं किस कारण की गई थी, लेकिन कुछ छात्र बोल रहे हैं कि डेट शीट चेंज हो गया था तो फिर अब क्यों दोबारा चेंज किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मेरा नाम है अक्षय और चले करते हैं आज का वीडियो को शुरू। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अभी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक लोगों तक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुँच सके। तो चले करते हैं शुरू। तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पर थंबनेल पर देख चुके होंगे, मैंने लिखा हुआ है कि सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर, 29/7/2021 और 30/7/2021 की परीक्षा होगी या नहीं। इसको लेकर काफ़ी छात्र जो है वह कन्फ्यूज़न में है क्योंकि बहुत से जो न्यूज़पेपरों उनमें प्रकाशित किया गया है कि जो 29/7 की वह 30/7/2021 की जो दो परीक्षाएं हैं वो अब स्थगित हो गई थी। उनको जो डेट दी गई थी वो 9 अगस्त था, 10 अगस्त दी गई थी, परंतु अब आज की डेट में किसी न किसी न्यूज़पेपर में अपडेट आया है कि वो परीक्षा यथा समय यथा कॉलेज तथा यथा स्थान पर होगी। उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो परिवर्तन किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो जानेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि किन चीज़ों को लेकर जो है वो दावा किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक न्यूज़ का कटिंग मैं दिखा रहा हूँ जो मैंने एक छात्र ने मुझे प्रोवाइड कराया है। हालांकि अभी तक मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया गया कि 29 और 30 जुलाई की परीक्षाएँ यथावत होंगी और CCSU कैंपस कॉलेजों में 29 और 30 जुलाई की जो परीक्षा स्थगित की गई थी वो यथावत रहेगी। BEd की प्रवेश परीक्षा अब 6 अगस्त को होगी, जिसके चलते विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है। पहले BEd परीक्षा के कारण जो परीक्षा में बदलाव था वो किया गया था क्योंकि जो परीक्षा थी वो 30 जुलाई को होनी थी और उसके चलते ही विश्वविद्यालय ने 29 और 30 जुलाई की जो CCS यूनिवर्सिटी की मुख्य परीक्षाएं थी वो बदल दी थी। रजिस्ट्रार धरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि अब BEd की जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथि 6 अगस्त कर दी गई है और 29 और 30 अगस्त की जो परीक्षाएँ हैं वो यथावत रहेगी। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, लेकिन जैसे ही मुझे न्यूज़ प्राप्त हुई मैंने सीधा ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें ऑफिशियली ये कहा गया हो कि जो परीक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा कैंसिल की गई थी, जिसका जो डेट है वो आगे शिफ्ट की गई थी, वो बदलाव नहीं किया गया है, वो यथावत रहेगी। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जब तक ऑफिशियल नोटिस हमारे चैनल के द्वारा या फिर किसी अन्य यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको नहीं मिलता या फिर आप खुद अपनी आंखों से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं देखते हैं, तब तक इस पर भरोसा न करें। अखबार में बहुत सी खबरें जो है वो गलत भी प्रकाशित की जाती है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की जो आपको वीडियो है वो चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें हमारा वीडियो नहीं मिलेगा। हमारा वीडियो केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ऑफिशियल जो नोटिस है वो जानना है कि क्या डेट शीट सच में चेंज हुई है फिर नहीं हुई है, तो उसको लेकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, आपसे एक बात और कहूँगा, अगर ये मान लीजिए ऑफिशियल नोटिस है यानी कि अखबार में दिया गया है तो और अगर ये सच है तो इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आज रात या फिर कल सुबह तक देखने को मिल जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस पर कोई अपडेट आएगा मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो बना दूंगा। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि जिन लोगों का 29 व 30 जुलाई का एग्ज़ाम था उनको उनके माइंड में बड़ा कन्फ्यूज़न जो है वो हो गया है, तो उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए इसी कारण इस वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलूंगा दोस्तों नई वीडियो में आपके साथ, फिर से आएंगे ऑफिशियल अपडेट का वीडियो लेकर, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।